जब वो आएगी प्लस वन जी की पिटीशन, जब आएगी उस पर नंबर गिरेगा तो मैं 100% उस पर आपका उसको नंबर दे दूंगा जैसे मैंने जियोमो का दिया था, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट बेंच चेंज हो चुका है, पूरा कोर्ट चेंज हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ के जो चीफ जस्टिस थे गंगापुर वाला जी और नरावड़े साहब, इनका ट्रांसफ़र हो चुका है। नई जो है वो टेबल सिस्टम वो आई नहीं है, उसके बाद अपनी अब सबमिट हो चुकी है, आप समझिए स्क्रूटिनी हो चुकी है, उस पर रजिस्ट्रार के साइन हो चुके हैं, सिर्फ उस पर जाके जज साहब के सामने जाके तो नंबर गिरेगा, तो होगा मैं दूंगा आपको बिल्कुल, उसके बारे में आप उसमें इंटरव्यू हो सकते हैं। यहाँ पे जो लोग मुझसे मिलने आए हैं उन्होंने मेरा रियल नेचर जो है, जब वो मेरे साथ दिन भर यहाँ पे बैठे, बहुत से हैं उन्होंने मेरा नेचर रियल में देखा है, मेरे साथ वो दिन भर बैठे, मेरे से दिन भर बातें की, मेरा नेचर क्या है, मैं क्या हूँ, जो दिखता है यहाँ पे। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते तो उस बात पे गुस्सा, क्योंकि इतनी बार समझा समझाने के बाद भी वो सुनते नहीं, वही सवाल रिपीट हो जाता है, तो इसलिए फिर गुस्सा आ जाता है। और आपने मेरे पुराने वीडियो देखे नहीं है, आप फिर अभी उन्होंने किसी ने सवाल किया सर मेडिटेशन के बारे में बताइए, भाई सर मेरा मेडिटेशन के बारे में यहीं पे मेरा इंटरव्यू है, मैंने दिया है, अपॉइंटमेंट 1 साल से देख रहा हूँ। देखिए भाई साहब, कुछ चीज़ें रहती है जो फ़ोन पे ट्रीटमेंट हो पाती है, कुछ चीज़ों की फ़ोन पे ट्रीटमेंट नहीं होती है। मैं बोल देता हूँ आपको अपॉइंटमेंट, जब मैं आपको बोलता हूँ, जब आप मुझे कंडीशन बताते कि ये कंडीशन है तो मैं बोल देता हूँ। आप साइकोलॉजिकल केस मेरे साथ इसके ऊपर नहीं डिस्कस कर सकते, फ़ोन के ऊपर आप जिसको रेगुलर फॉलोअप रखता है, मैं चक्रास के ऊपर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आप अनुराग जी से, शर्मा जी से कहिए, वो आप चक्रास के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर साहब मुझे जमल तसमी जी पे धन्यवाद, आशीष मराठे जी, मैं कुणाल का ही रिक्वेस्ट, कुणाल फोर्स, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है भाई साहब। सर यू शेयर नॉलेज, यू लूज द सिंक रीडिंग द कॉमेंट्स। तो देखिए मेरा जो है, मेरा सारा नॉलेज जो है जितना हो सकता है, अनुराग शर्मा जी और राकेश शर्मा जी दोनों भी जो है वो स्पिरिचुअल लेवल के हैं, स्पिरिचुअल लेवल के वो लोग हैं, मैं वॉरियर हूँ आप समझिए, क्योंकि वो जो है वो स्पिरिचुअल लेवल के हैं, वो स्पिरिचुअलिटी लेवल पर लड़ते हैं, मैं जो हूँ मैं वॉरियर लेवल पे हूँ, मेरा आगे भी जो काम है वो वॉरियर लेवल का ही रहने वाला है, और इसलिए मैं मेरा नेचर नहीं चेंज कर सकता हूँ, आप समझिए। जिन लोगों ने ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, सारे टीकाकरण के लिए और ये सब LC के लिए जो भी कुछ किया है, इनको सजा देनी पड़ेगी, सजा देनी है। तो इसके लिए जो नेचर है वो सख्त रखना जरूरी है। उसमें जियोमो के इसमें नोटिस निकले हैं, अब तक 3 नोटिस निकल चुके हैं, नोटिस जा चु देखिए हियरिंग वैसे होती है, जब नोटिस जाती है तो उस पर एंसरिंग आता है। अब जियोमो के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, जैसे आपने इसमें देखा था अवेकन इंडिया मूवमेंट के, इसमें सेंट्रल ने कहा इसमें हमारा कोई रोल नहीं, जो कुछ देखेगा वो स्टेट देखेगा। वैक्सीन कोर्ट में भी वही हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही है, जियोमो में भी वही हो रहा है, वो जवाब नहीं दे रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आइए आइए आप मेरे साथ उसमें इंटरव्यू लीजिए, प्रभु के आने के बाद इन सुरों के पालना भी है सर, इनका आपके साथ मिलके पेलना भी है, यस इनको पेला जाएगा, डोंट वरी भाई साहब, डिवाइन जो आया है आया है, वो आया है, वो जो खुद को डिस्क्लोज करेगा, उसके बाद में जो मूवमेंट चलेगी उसमें मैंने कहा है आपको लीड मैं करने वाला हूँ, लीडर वो है, मगर उसके नीचे जो कमांडिंग में रहता है उसमें मैं है और कुछ जन है, शर्मा जी है और बहुत जन है, तो मेरा काम है यहाँ के लोगों को बचाना, जितना हो सके उतने लोगों को बचाना, और उसके लिए
मैंने पोर्टल्स के बारे में बात किया है, आप जाके ये वीडियो फिर से देखिए। डिस्क्लोजर आप कोई तो बताए इसको कि डिस्क्लोजर चालू हुआ है कि नहीं है। दिल्ली में यूएफओ दिखा, गुजरात में यूएफओ दिखा, महाराष्ट्र में यूएफओ दिखा। यू आर द सिलेक्शन डिवाइन एनर्जी, मैं उनके साथ हूँ, उन्होंने सिलेक्ट किया है। भूटान में मेडिटेशन चल रहा है, दिल्ली में एलियंस रिंग दिखा था, मैंने वही तो कहा। सभी को डिस्क्लोजर चालू हो चुका है भाई साहब, देखो इन्होंने कहा है। स्नो वर्ल्ड के बारे में लोग नहीं सुनते, ठीक है हमें नहीं कुछ करना है, बिल्कुल कीजिए, मेरे किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा किसी को कोई प्रॉब्लम, जहाँ पे डालना है मेरा वीडियो डालिए, क्योंकि आपको मैंने ही बचाया है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी है और आप अगर मुझ पे ही अगर आरोप लगाओगे तो इसका मतलब एहसान फरामोश लोगों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। यू आर नॉट रिप्लाइंग, मैं हर किसी के कॉमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ भाई साहब, कई सारे लोगों के चले जाते हैं। तो एहसान फरामोश लोगों के लिए हमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एहसान फरामोश को तो रीजन चाहिए रहता है। एहसान फरामोश लोगों को सिर्फ उनको अपना फल लेके निकल जाना रहता है और हमें फायदा नहीं चाहिए। हम अभी भी आपके लिए बोल रहे हैं, जो बोलना है मेरे बारे में बोलिए, मुझे पागल बोलना है, मुझे क्या बोलना है। देखिए मैंने आपको जगाने का काम किया, अगर मैंने आपको मैंने आपको जगाया, ये मेरी अगर गलती है तो ये गलती मैंने की है। ये गलती मैं 2026 तक मैं करते रहूँगा, क्योंकि 2026 के बाद में मेरा रोल कम होने वाला है, फिर बाकी के लोगों का रोल आने वाला है। तो इसलिए मेरा जो है काम मैं 2026 तक करते रहूँगा और उसके बाद में मेरा काम जो है वो फिर साइड बाय हो जाएगा, फिर दूसरे लोगों का काम आएगा। जागाते रहूँगा, जो भी हो जाए, लोग बदनाम करना है करो, क्या करना है करो। हाथी अब मस्त अपनी मस्ती में चलने वाला है। ये मराठे ने अपने तलवार निकाल ली, रिलेशन कट करने वाला हूँ मैं। जिन लोगों का मेरे साथ कोई आपको मेरे से प्रॉब्लम है, मैं यही ब्लॉक कर डालूँगा। मैं वही, भले वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, मैं ब्लॉक मार दूँगा। अब हमें डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है, ये महीना बहुत डेंजर जाने वाला है, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि आपको आके फिर से बताना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत डेंजर चलने वाला है। ये